उस छत को तोड़ने चला जाता है। पहले तो वो उस छत के ग्लास को तोड़ने की कोशिश करता है पर वो उससे नहीं टूटता, जिसके बाद वो उस ग्लास के चारों ओर के सीमेंट को तोड़ने का सोचता है, पर उस सीमेंट को तोड़ने में उसको काफी मुसीबत होती है। अब काम करते हुए उसे फिर से भूख लगती है। नीमो रसोई में रखा कच्चा पास्ता ही पानी में मिलाकर खाने लगता है। वो टीवी के सामने बैठकर अब बाहर आते जाते हुए लोगों को देख रहा था। वहीं घर का टेम्परेचर भी अब धीरे धीरे और भी कम होने लगा है। जहाँ पहले यहाँ आग बरस रही थी वहीं अब कुछ देर बाद बर्फ बरसने वाली है। नीमो भी उस चीज को महसूस कर लेता है। वो घर में लगे उस सिक्योरिटी डिवाइस को जाकर छेड़ता है कि शायद ये ठीक हो जाए, पर नीमो को उस डिवाइस में कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए अब उसको यहाँ से जल्दी बाहर निकलना होगा वरना वो यहाँ जम जाएगा। तभी वो फिर से उस छत के सीमेंट को तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ जाता है और थोड़ी मेहनत के बाद वो उस ग्लास के चारों तरफ लगे उस सीमेंट को तोड़ ही देता है। पर तभी वो देखता है कि उसके अंदर तो स्टील की बहुत मोटी परत है जो काफी सारे स्क्रू से कसी हुई है। उसके अंदर कुछ स्क्रू लगे हुए हैं, यानी ये परत किसी भी चीज से नहीं टूटेगी। अब नीमो के पास उसके स्क्रू को खोलने के लिए कुछ भी नहीं होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा निराश हो जाता है और मन ही मन में ये सोच लेता है कि शायद अब उसकी मौत इसी घर में पक्की है। नीमो ये सोचकर धीरे धीरे थोड़ा सा पागल होने लगता है। तभी वो उस घर के बाहर बैठे हुए एक कबूतर को देखता है जो बिल्कुल नीमो की तरह ही अपनी जिंदगी में फंसा हुआ था, क्योंकि उस कबूतर के पंखों और पैर पर चोट लगी हुई थी जिसकी वजह से वो ना तो उड़ पा रहा था और ना ही चल पा रहा था, लेकिन वो फिर भी चलने की कोशिश करता है। वहीं घर के अंदर अब नीमो के पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता, इसलिए वो उस घर की चीजों को तोड़कर वहाँ की सारी कीमती पेंटिंग्स जिन्हें वो चुराने आया था उन्हीं को खराब करने लगता है। वो उनके ऊपर अजीब अजीब सी चीजें लिख देता है और उस मिलेनियर की अलमारी में से एक कोट को निकालकर पहन लेता है। तभी उसे उस अलमारी के अंदर एक सीक्रेट डोर दिखाई देता है। नीमो उसके अंदर ये सोचकर जाता है कि शायद यही उसके यहाँ से बाहर निकलने की चाबी है। नीमो को उस सीक्रेट डोर के अंदर उस घर के ओनर की लाश रखी हुई मिलती है, जिसको देखकर नीमो बहुत ज्यादा डर जाता है। पर जब वो उस लाश के पास जाकर देखता है तो उसको पता चलता है कि ये तो बस रबड़ का पुतला है। नीमो को वहाँ पर एक किताब भी मिलती है जिस पर हेल और हेवन की बातें लिखी हुई थी। नीमो को वहाँ वो 30 मिलियन वाली पेंटिंग भी रखी हुई दिखाई दी जाती है जिसको लेने ही वो यहाँ पर आया था। नीमो को वहाँ पर भी उस घर से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता है, जिसको देखकर नीमो समझ जाता है कि शायद इस घर से बाहर जाने का कोई रास्ता आज तक बना ही नहीं है। बाहर जाकर नीमो को फिर से वो सफाई करने वाली लड़की दिखाई देती है जो इस बार बिल्कुल उसके गेट के पास ही होती है। नीमो फौरन गेट के पास जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है पर वो लड़की उसकी आवाज सुन ही नहीं पाती और वहाँ से चली जाती है। तभी उस घर का टेम्परेचर अब और भी ज्यादा कम हो जाता है। नीमो की हालत खराब होने लगती है और वो फिर से उस कबूतर को देखता है जो पैर और पंख पर चोट लगे होने के बाद भी चलने और उड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था, और ऐसे ही कोशिश करते करते वो कबूतर मर जाता है। नीमो उस कबूतर को देखकर मोटिवेट होकर फिर से उस छत को तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ जाता है। नीमो सोचता है कि अगर मुझको मरना है तो क्यों ना कोशिश करके मरूं। वो ऊपर जाकर उन स्क्रूज का साइज देखता है और नीचे आकर उन्हें खोलने के लिए एक लकड़ी से स्क्रू ड्राइवर बनाने लगता है। शुरुआत में तो उस लकड़ी से स्क्रू नहीं खुलते, पर नीमो एक बार फिर ट्राई करता है और लास्ट में वो उस लकड़ी के स्क्रू ड्राइवर से उन स्क्रूज को खोल ही देता है। पर उन स्क्रू को खोलने में काफी एनर्जी लग रही थी जो कि इस टाइम नीमो के अंदर बिल्कुल भी नहीं बची थी। नीमो छत के स्क्रू को खोलकर नीचे आ जाता है और नीचे आकर दीवारों के ऊपर गोल गोल रिंग्स बनाने लगता है, जिससे हमको ये पता चलता है कि नीमो की दिमागी हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही है, क्योंकि नीमो ने काफी दिन से खाना नहीं खाया, वो बस पानी पीकर ही अपना पेट भर रहा है। तभी उसको फिश टैंक में कुछ मछलियाँ दिखाई देती है। नीमो उनमें से एक मछली को निकालकर कच्चा ही खा जाता है, जिससे उसको थोड़ी सी राहत मिलती है। नीमो अब रोज ऐसा ही करने लगता है। वो रोज एक मछली खाता है और लकड़ी के स्क्रू ड्राइवर की मदद से स्क्रू को खोलने की कोशिश करता है, जिससे वो उस छत का दूसरा स्क्रू भी खोल देता है। पर नीमो को अब यहाँ काफी दिन हो चुके थे, अब तो फिश टैंक की सारी मछलियाँ भी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से नीमो को बगीचे के पत्तों को खाना पड़ता है। नीमो एक दिन स्क्रू खोलते हुए छत से नीचे भी गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके पैर की हड्डी टूट जाती है और उसको बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, जिसका नीमो के पास कोई भी इलाज नहीं होता। ऐसे करते करते और दिन बीत जाते हैं और शायद न्यू ईयर भी निकल जाता है। नीमो अपनी भूख को मिटाने के लिए कुत्ते के बचे हुए खाने को भी खा लेता है, पर अब नीमो हेलुसिनेट करने लगता है। उसको उसी रात ऐसा लगता है कि बाहर से वो सफाई करने वाली लड़की उसके पास उसे बचाने आ गई है, पर वो सिर्फ नीमो का एक भ्रम था, जिसके बाद वो उस घर में लगी एक पेंटिंग को देखता है जिसमें एक आदमी पूरी तरह से टेप से बंधा हुआ था। नीमो उस पेंटिंग को गिरा देता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, लो मैंने तुमको आजाद कर दिया, जाओ और यहाँ से भाग जाओ। अब अगले दिन नीमो उस घर में लगे फायर अलार्म को देखता है, जिससे उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि अगर मैं इन अलार्म्स को बजा दूँ तो शायद बाहर से कोई इनको सुन ले और मुझे बचा
जाने आ जाए। नीमो ऐसा ही करता है। वो एक लेंस को लेकर धूप की मदद से कुछ पेपर्स में आग लगाकर उन फायर अलार्म्स के पास ले जाता है, जिससे वो फायर अलार्म्स एक्टिवेट हो जाते हैं और पूरे घर में पानी की बारिश होने लगती है। लेकिन बाहर उन अलार्म्स को कोई भी नहीं सुनता, वही घर के अंदर उनकी वजह से हर जगह पानी भरने लगता है। नीमो इस चीज से और भी ज्यादा निराश हो जाता है। वो सोचता है कि ये कोई घर नहीं है, ये तो एक जेल है जिसे मुजरिमों के लिए बनाया गया है। जिसके बाद हमें एक या दो महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां नीमो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। वो किसी कंकाल से कम नहीं दिख रहा, पर उसने जैसे तैसे करके अब छत के सारे स्क्रू खोलकर उस शीशे को हटा दिया था। वो इस घर से बाहर जाने के लिए बिल्कुल तैयार था, पर जाने से पहले नीमो इस घर की दीवार पर कुछ बातें लिखता है, जिसमें वो इस घर के मालिक से माफी मांगते हुए कहता है कि मैंने आपके इस पूरे घर को तोड़ दिया, जिसके लिए आप मुझे माफ कर दें, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था, पर मैंने आपके लिए अपनी 3 पेंटिंग्स यहीं पर छोड़ दी हैं, जिन्हें मैंने यहाँ पर कैद रहकर बनाया है, क्योंकि लास्ट में सिर्फ कला ही जिंदा रहती है। और जाने से पहले मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि आपका ये घर कोई घर नहीं बल्कि एक कैद है। जिसके बाद नीमो उस छत पर चढ़कर इस घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन असल में ये घर तो छठे फ्लोर पर था, तो नीमो छत से नीचे कैसे जाएगा? या तो नीमो को कोई हेलीकॉप्टर बचा लेगा, या फिर नीमो उस छत से ही नीचे कूद जाएगा। जिस सस्पेंस के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म।